आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों से तीन अनुरोध कर रहा हूँ। मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। हम सब साथ मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें। और मेरा तो विश्वास है कि पानी परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, पानी पारस का रूप है। पहले कहते थे कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, मैं कहता हूँ पानी पारस है और पारस से, पानी के स्पर्श से नवजीवन निर्मित हो जाता है। पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करें, इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं, साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार करें। मैं विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से जल संरक्षण के लिए इनोवेटिव कैंपेन्स का नेतृत्व करने का आग्रह करता हूँ। फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, मीडिया के हमारे साथी हो, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हो, कथा कीर्तन करने वाले लोग हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करें, समाज को जगाएं, समाज को जोड़ें, समाज के साथ जुटें। आप देखिए अपनी आंखों के सामने हम परिवर्तन देख पाएंगे। देशवासियों से मेरा दूसरा अनुरोध है, हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कई पारंपरिक तौर तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से जल संरक्षण के उन पारंपरिक तरीकों को शेयर करने का आग्रह करता हूँ। आप में से किसी को अगर पोरबंदर पूज्य बापू के जन्मस्थान पर जाने का मौका मिला होगा, तो पूज्य बापू के घर के पीछे ही एक दूसरा घर है, वहाँ पर 200 साल पुराना पानी का टंका है और आज भी उसमें पानी है और बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था है। तो मैं हमेशा कहता था कि जो भी कीर्ति मंदिर जाएं, वो उस पानी के टंके को जरूर देखें। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हर जगह पे होंगे। आप सभी से मेरा तीसरा अनुरोध है, जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी का, उनकी जो जानकारी हो उसे आप शेयर करें, ताकि एक बहुत ही समृद्ध पानी के लिए समर्पित, पानी के लिए सक्रिय संगठनों का, व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाया जा सके। आइए हम जल संरक्षण से जुड़े ज्यादा से ज्यादा तरीकों की एक सूची बनाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। आप सभी #जनशक्ति4जलशक्ति #का उपयोग करके अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं।